चलिए रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। कांकेर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। आईडी ब्लास्ट मामले में चार नक्सली गिरफ्तार किए गए हैं, जहां दो दिन पहले नक्सलियों ने ब्लास्ट किया था। परतापुर इलाके से नक्सलियों को पकड़ा गया है, जहां आईडी ब्लास्ट में एक जवान शहीद हुआ था। तो आपको बता दें कि नक्सलियों के द्वारा एक बार फिर से कायराना हरकत को अंजाम दिया गया था, जिसके मद्देनजर चार नक्सलियों को गिरफ्तार कर दिया गया है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि प्लांट आईडी ब्लास्ट जो था वो किया गया था, जिसमें एक जवान शहीद हो गया था और जवान की पहचान अखिलेश राय के रूप में हुई थी। और जानकारी के लिए आपको बता दें कि जवान बीएसएफ में हेड कांस्टेबल पर कार्यरत था, लेकिन अब यहां पर लगातार जो जांच की जा रही थी, जवानों के द्वारा जो पूछताछ की जा रही थी, उससे अब खुलासा हुआ और चारों नक्सलियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो सुरक्षा बलों को ये बड़ी सफलता मिली है, जहां पर हाल ही में इन्हीं नक्सलियों के द्वारा एक बड़ी घटना को अंजाम दिया गया था, जहां पर आईडी बम प्लांट किया गया था और जिसकी वजह से ब्लास्ट होने से हमने हमारा एक जवान खो दिया था, और अब ऐसे में चारों नक्सलियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब ज्यादा जानकारी ले लेते हैं इसी खबर पर। हमारे साथ में संवाददाता मिंटू जुड़ गए। मिंटू, आईडी ब्लास्ट मामले में चार नक्सलियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, नक्सलियों की पहचान अब तक हो पाई है, कौन है और किस प्रकार से जो घटना को अंजाम दिया गया था उसकी जानकारी? जी देखिए, आपको बताना, बीते दो दिन पहले नक्सलियों ने आईडी ब्लास्ट किया था, जिसमें एक जवान जो है पूरी तरह घायल हो गया था। जब उनको पखांजुर के मुख्यालय चिकित्सा मुख्यालय में लाया गया, तो वहां से हेलीकॉप्टर द्वारा रायपुर के लिए रेफर किया गया था, जब उनकी उस मौके पे ही मौत हो गई थी। हालांकि जिसको देखते हुए वहां पे जो सुरक्षा बल और जो बीएसएफ जवान और जो पुलिस बल थे, वहां पे लगातार जो है पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ भी हुआ था, और लगातार जो है उस नक्सलियों को खोजने के लिए वहां उस जंगल में प्रतापपुर क्षेत्र में जो जंगल है वहां पे लगे हुए थे। परसों रात को वहां पे मुठभेड़ हुआ, जिसमें नक्सली भाग खड़े हुए थे। उसके बाद से वहां पे सर्चिंग अभियान और तेज कर दिया था। कल सुबह जो है पुलिस बल और बीएसएफ जवान फिर सुबह सर्चिंग के लिए निकले थे, तो उनके कुछ जो सामान थे वो छूट गया था, उसको लेने के लिए नक्सली वहां पे मौजूद थे, जिसके बाद उनको घेराबंदी कर कुल चार नक्सली को गिरफ्तार करने में पुलिस सफलता हाथ से लिए। जी, तो माना जा सकता है कि एक बड़ी सफलता यहाँ पर सुरक्षा बलों को मिली है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया मिंटू तमाम जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए। तो देखिए, चार नक्सली को गिरफ्तार कर लिया गया है, और ये वही नक्सली है जिन्होंने हाल ही में एक बड़ी घटना को अंजाम दिया था, जिसमें एक जवान शहीद हो गया था। अब ऐसे में लगातार पूछताछ की जा रही थी, शिनाख्त की जा रही थी, जिसके बाद में सुरक्षा बलों को ये बड़ी सफलता हाथ लगी है।